कण निकल गए, उसके बाद ये शुद्ध इस पाइप से हवा होती हुई आती है टर्बो चार्जर के पास। ये दो फैन की जो असेंबली होती है इसको कहते हैं टर्बो चार्जर। क्या कहते बेटे इसको? टर्बो चार्जर। इसमें कुछ नहीं है, एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट में एक पंखा यहाँ पे, एक पंखा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है, ये लग रहा है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जिधर से धुआं बाहर आती है, जिसकी भी निकल रही है वो, ये है टर्बो चार्जर। इसके बाद ये मफलर या साइलेंसर से जुड़ता है, जिधर से धुआं बाहर चल जाता है। जब ये धुआं बाहर निकलती है तो इस टर्बो चार्जर वाले पंखे के ऊपर हवा मारती है। क्या मारती है? हवा। तो उससे ये पंखा घूमता है, तो ये पंखा घूमता है तो अगले वाले पंखे को भी घुमाता है। तो टर्बो चार्जर क्यों लगाते हैं भाई? छोटे इंजनों से ज्यादा हॉर्स पावर निकाल सके, ज्यादा हॉर्स पावर निकाल सके। तो ये पंखा घूमेगा तो ये पंखा क्या करता है, जो शुद्ध हवा आती है उसको प्रेशर से इंजन में इंसर्ट करता है, इधर से शुद्ध प्रेशर से इंटरकूलर को देगा, इंटरकूलर में देगा। इस पाइप के थ्रू किसमें जा रही है? इंटरकूलर में। तो टर्बो चार्जर प्रेशर बढ़ाता है, तो प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा? टेम्परेचर। हवा गर्म भी हो रही है तो उस हवा को ठंडा करने के लिए इस पाइप के थ्रू हवा चली गई इंटरकूलर में, जो रेडिएटर के आगे लग रहा है दिखाया था। वहां से हवा ठंडी होके इंटरकूलर से दूसरे पाइप से ठंडी होके हवा आ गई इंजन में। इसमें आ गई इंजन। यदि इस हवा को यहाँ से ही सीधी इसमें दे देते इंजन में, इंटरकूलर में नहीं भेजते, तो ये इसी हवा क्या होती है, प्रेशर के साथ टेम्परेचर बढ़ता, गाड़ी कुछ समय ज्यादा लंबे समय चलने के बाद हीटिंग की समस्या दिखाने लग जाती। लेकिन अब इस हवा के कारण हीटिंग नहीं होगी, क्योंकि जो हवा थी वो सारी की सारी ठंडी हो चुकी है इंटरकूलर से, और इंटरकूलर से किसमें आ गई? इंजन में आ गई। तो ये हवा को क्या करता है, हाई प्रेशर के साथ इंजन में इंसर्ट करता है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन या जितनी ज्यादा एयर सिलेंडर के अंदर जाएगी उतनी तेज आग लगेगी, उतनी ज्यादा आग लगेगी, जितनी आग लगेगी उतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसलिए टर्बो चार्जर लगाया जाता है। दो फैन की कवेटी होती है, डीजल इंजन में लगा होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से कनेक्ट होता है, धुआं से चलता है सर। इनलेट में जो शुद्ध हवा आती है उसको हाई प्रेशर से भेजता है, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए उसको भेजते हैं इंटरकूलर में, इंटरकूलर से ठंडा होकर आ जाती है इंजन के अंदर, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद देखो इसके अंदर और बताते हैं। इंटरकूलर के जस्ट पीछे लग रहा था रेडिएटर। क्या लग रहा था? रेडिएटर। रेडिएटर के बाद में ये लग रहा है फैन। क्या लग रहा है बेटा ये? फैन। फैन के बाद में ये नीचे लग रहा है वाटर पंप। क्या लग रहा है? वाटर पंप। वाटर पंप के नीचे ये लग रहा है क्रैंक शाफ्ट पुली। क्रैंक शाफ्ट पुली। और ये लग रहा है अल्टरनेटर। तो नीचे की जो क्रैंकशाफ्ट पुली है वो ऊपर वाटर पंप को भी घुमाती है और अल्टरनेटर को भी घुमाती है। और क्रैंकशाफ्ट पुली, वाटर पंप और अल्टरनेटर तीनों के तीनों वी बेल्ट के द्वारा जुड़े होते हैं, वी बेल्ट या फैन बेल्ट के द्वारा। यदि ये बेल्ट लूज हो जाए, ये वी बेल्ट नहीं होती लेकिन ये वी जैसा आकार बनाती है, दो तो सीधे नीचे हो गए और अल्टरनेटर साइड में हो गया, तो ये आकृति वी जैसे बना ली भाई, दो तो सीधे नीचे हो गए और एक साइड में आ गया, तो वी जैसा आकार हो गया। वैसे बेल्ट वी बेल्ट कहते हैं इसको, वैसे तो सर्कुलर है, खोल के देखोगे तो तुम, ठीक है। तो ये बेल्ट लूज हो जाएगी तो क्या होगा, वाटर पंप क्या करता है बेटा? वाटर पंप तो इंजन के अंदर पानी खींच के देता है। क्या करता है? पानी खींच के देता है। इंजन के अंदर जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर के साइड में वाटर जैकेट होता है। क्या होता है बेटा? वाटर जैकेट। पानी जाता है वाटर जैकेट में। जब पानी पिस्टन के चलने से सिलेंडर गर्म हो जाता है तो गर्मी को बाहर पानी पी लेता है, और पानी गर्म होके पानी आता है वाटर आउटलेट पर। तो ये वाटर आउटलेट है, जो पानी गर्म हुआ वो यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये पूरा वाटर आउटलेट पाइप है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आया कुछ गर्म पानी, कुछ गर्म पानी यहाँ पे आया, ये पानी भी यहाँ से चल दिया, ये भी चल दिया। ये जो सेंसर लग रहा है इसको बोलते हैं टेम्परेचर गोज सेंसर। टेम्परेचर गोज सेंसर। डैशबोर्ड पे टेम्परेचर गोज लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें 40, 80, 120 डिग्री लिख रखा है, उसका संबंध यहाँ पे होता है, ठीक है। जो ये पानी निकल के आ रहा है या जो कूलेंट निकल के आ रहा है रेडिएटर से गर्म होने के बाद, उसका टेम्परेचर बताता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर बताता है। तो ये पानी गर्म होता होता आया थर्मोस्टेट वाल के पास। इस डब्बी को बोलते हैं थर्मोस्टेट वाल बेटा। क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेट वाल। तो थर्मोस्टेट वाल जो होता है वो एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस होती है, टेम्परेचर का मापन करती है। यदि पानी जो निकल के आया है उस पानी का तापक्रम 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो, तो उस दशा में थर्मोस्टेट वाल का आउटलेट वाल खुल जाता है। कौन सा वाल खुल जाता है बेटा? आउटलेट वाल। और वो पानी इस होस पाइप से होता हुआ रेडिएटर में चल जाता है। किसमें चला जाता है? रेडिएटर में। रेडिएटर के अपर टैंक से लोअर टैंक में जाता है, ट्यूब में से बहता हुआ, अंदर ट्यूब्स होती हैं, ठीक है बेटा। रेडिएटर जो होता है तांबे का, एल्यूमिनियम का बना होता है, ट्यूब्स में से बहता हुआ जैसे जैसे पानी नीचे आता है तो पंखा क्या करता है, आगे से हवा को खींचता है, वायुमंडल की हवा को, और उसको ठंडा करता है। तो वो हवा जिसमें से खींचता है उसको बोलते हैं बेटा फिन्स। क्या बोलते हैं? फिन्स। जो रेडिएटर के दोनों तरफ जाली दिखती है ना उसको फिन्स बोलते हैं बेटा। तो और यदि पानी मान लो यहाँ पे आया, वो पानी गर्म नहीं है, 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म नहीं है, वो पानी ठंडा है, तो उस दशा में ये थर्मोस्टेट वाल के अंदर ये आउटलेट वाल तो बंद हो जाएगा और ये बाईपास वाल खुल जाएगा। ये वाला कौन सा वाल है? बाईपास वाल। तो ये पानी फिर चल जाएगा वाटर पंप के पास, और ठंडा पानी भी वाटर पंप नीचे से खींच रहा है, किधर से खींच रहा है? नीचे से। और ये पानी भी चल गया, इन दोनों को खींच के फिर इंजन में दे देगा, इंजन में
दे देगा, फिर गर्म होगा तो बाहर निकलेगा। ठीक है बेटा, ये इंजन कैप है, क्या बोलते हैं इसको, इंजन कैप। ये वैक्यूम पाइप है, क्या है बेटा, वैक्यूम पाइप। इंजन ऑयल डालना हो तो इधर से डाल सकते हैं अपन इसके अंदर। ठीक है बेटा, ये स्टार्टेड मोटर है, क्या है ये, स्टार्टेड मोटर। दोनों कैप्सूल को बोलते हैं स्टार्टेड मोटर। ये छोटे वाला बैक कैप्सूल जो है इसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटर, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। मैकेनिक की भाषा में इसको गोगी भी बोलते हैं और सोलेनाइड स्विच भी बोलते हैं, गोगी या सोलेनाइड स्विच। बैटरी का जो करंट का तार होता है, जो लाल वाला तार होता है या जो प्लस टर्मिनल होता है, उसका संबंध यहाँ से होता है, किससे, डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर के पास करंट आता है, स्टार्टेड मोटर में करंट देता है। टिथ जो होते हैं फ्लाई व्हील से अटैच होते हैं, फ्लाई व्हील को झटका मारते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है अपनी। ठीक है, तो बैटरी के करंट का तार कैसे जुड़ता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर से। वहाँ पे जाओगे तुम्हें फॉल्ट के अंदर क्या कर देंगे, तार को खोल के पटक देंगे, बैटरी के लगा लो। तो एक तो अर्थ का होता है बेटा माइनस वाला, उसको तो कहीं भी बॉडी पार्ट से अर्थ कर दो। करंट का ये देख लेना यहाँ पे होना चाहिए, और दूसरा सीधा बैटरी के अंदर आ रहा है लाल वाले तार के अंदर। ठीक है बेटा, प्लस टर्मिनल के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, स्टार्टेड मोटर का भाग सर डिस्ट्रीब्यूटर का। और इधर क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, इधर इधर का मामला हो गया सोल। इधर देखो बेटा, ये दो, अब देखो आगे सर तीन चीज घूम रही थी, नीचे क्रैंकशाफ्ट पुली थी, ऊपर वाटर पंप था और साइड में अल्टरनेटर था, तीनों घूम रहे थे। लेकिन सर ये साइड में एक और लग रही है, ये क्या सौदा है, ये वाला, इसको बोलते हैं स्टेयरिंग आयल पंप, स्टेयरिंग आयल पंप। तो जो स्टेयरिंग आयल पंप होता है, ये जो गाड़ी है ये पावर स्टेयरिंग में है बेटा, किसमें है, पावर स्टेयरिंग में। यदि ये स्टेयरिंग आयल पंप खराब हो जाए या ये बेल्ट टूट जाएगी, तो ये स्टेयरिंग आर्मेचर जो होता है, स्टेयरिंग गियरबॉक्स जो होता है, उसको प्रेशर से तेल सप्लाई करता है, प्रेशर से तेल सप्लाई करता है। और स्टेयरिंग जो का जो तेल होता है वो इसको खोल के इधर से डालते हैं, या फिर नीचे से मैं दिखा दूंगा बेटर तुम्हें, कह दे कैसे, तो उस तेल को तेजी से स्टेयरिंग गियरबॉक्स को सप्लाई करता है। तो स्टेयरिंग आयल पंप क्या काम में आता है, स्टेयरिंग को प्रेशर से तेल सप्लाई करता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं भाई चलती हुई गाड़ी कटाई करो पावर स्टेयरिंग, खड़ी गाड़ी कटाई मत करो, नहीं होगी। ठीक है, और इस पंप को ऊर्जा कहाँ से मिल रही बेटा, वाटर पंप की जो बेल्ट लग रही है इस पुली से ही मिल रही है इसको ऊर्जा, स्टेयरिंग आयल पंप को। इसके बाद ये लग रहा है डीजल फिल्टर, क्या लग रहे हैं ये, डीजल फिल्टर, क्या बोलते हैं ये, देखो बोस कंपनी के हैं डीजल फिल्टर। कौन सी कंपनी के ये, बोस के, ज्यादातर में माइको के यूज किए जाते हैं। एक होता है इसमें प्राथमिक डीजल फिल्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी डीजल फिल्टर, सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर। सबसे पहले तेल जिसमें आता है उसको प्राथमिक फ्यूल फिल्टर, जिसमें बाद तेल जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर। तो ये दोनों गलासी क्या कहलाती है, फ्यूल फिल्टर या डीजल फिल्टर बोल सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है बेटा, इसके बाद इधर देखो और क्या लग रहा है, इधर ये देखो ये क्या लग रहे हैं, ये कितने हैं बेटा, छह, गिनो, अरे गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः। इसका मतलब तुम्हें पूछे गाड़ी कितने सिलेंडर इंजन है, तो गाड़ी छः सिलेंडर इंजन है। छः सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है 15 36 24, 15 36 24। इधर ये देखो, ये जो जाली सी कट रही है ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं कंप्रेसर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, कंप्रेसर। इसका इंजन को खोलेंगे तो 7 पिस्टन निकलेंगे, 6 तो इंजन के ही निकलेगा पिस्टन, एक इस कंप्रेसर का निकलेगा। कंप्रेसर मतलब एयर कंप्रेसर यूनिट, ACU। ये एयर कंप्रेसर क्या करता है, गाड़ी स्टार्ट होते चलाते नहीं है क्योंकि गाड़ी के अंदर पावर ब्रेक है, क्या ब्रेक है, पावर ब्रेक। तो भाई हवा का प्रेशर बना लो थोड़ी सी गाड़ी को, तो शुद्ध हवा आती है इसके अंदर, दो वाल लग रहे हैं, एक तरफ से हवा आ रही है और एक तरफ से स्टोरेज टैंक में जा रही है। तो ये कंप्रेसर क्या करता है, हवा को बीच बीच के प्रेशराइज करके इंजन के अंदर फुलफिल करता है। तो एयर कंप्रेसर का काम क्या होता है, शुद्ध हवा को बीच के इसके अंदर, एयर प्रेशर टैंक के अंदर जो हवा होती है इसको फिलअप करता है। ठीक है, तो ये कंप्रेसर होता है। इसके बाद ये जो एक लग रहा है इसको बोलते हैं आयल फिल्टर, एक गिलासी जो लग रही है इसको क्या बोलते हैं, आयल फिल्टर। और दो गिलासी लग रही है तो डीजल फिल्टर। ठीक है बेटा, इसके बाद में ये क्या है अपना कंप्रेसर, ये फ्यूल इंजेक्टर है, क्या है बेटा, फ्यूल इंजेक्टर। नोजल इनके अंदर लग रहे हैं, नोजल कहाँ लग रहे हैं, इनके अंदर। ठीक है, नोजल क्या काम करते हैं कि जो फ्यूल होता है डीजल, उसको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ के इंजन के अंदर गर्म हवा पे गिराते हैं। ये चेचिस फ्रेम है, येरी और येरी, इनको बोलते हैं साइड मेंबर। ठीक है, ये आपस में जुड़ी होती है, इनको बोलते हैं वर्टिकल मेंबर। और ये जो नीचे की शाफ्ट है ना जिसपे टायर जुड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्रंट एक्सल बीम, क्या बोलते हैं बेटा, फ्रंट एक्सल बीम। ये लीफ स्प्रिंग लग रही है, सस्पेंशन सिस्टम का भाग लीफ स्प्रिंग लग रहा है, क्या लग रहा है, लीफ स्प्रिंग लग रहा है। और कुछ दिख रहा है इसके अंदर जो समझ में नहीं आ रहा हो अगले, और इसके पीछे जो ये लग रही है ये वाली राड, इसको बोलते हैं टाई राड, क्या बोलते हैं इसको, टाई राड। और जो ये फ्रंट एक्सल बीम होता है जो टायर से जुड़ता है, वो जुड़ता है बाल जॉइंट के द्वारा, किसके द्वारा जुड़ता है बेटा, बाल जॉइंट के द्वारा। तो अब एक बार मैं थोड़ा फास्टली तुम्हें बता देता हूँ, देखो इसके अंदर सर कुछ नहीं है, ये हवा एयर फिल्टर से